सबसे पहले तो आपको याद होगा जब मैं इंडिया में था, नया आदमी तो बारे में तो अच्छी लगी। मैं रोने लग जाता था, मैंने नहीं करती मेडिकल, मैं तो नॉन मेडिकल करूँगा। मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी बायो, लेकिन घर में सब बायो थे, लेकिन मैं ही अकेला बच्चा था जिसको बायो बिल्कुल अच्छी नहीं। सर एक बार घर भी आए थे, काफ़ी सपोर्ट करा कि नहीं अब एक बार शुरू करती है, उसको पूरा ही करके चला। तब से मतलब एक मोटिवेशन मिली, तब मेरे नंबर अच्छे आते थे, तब मैं दुखी रहता। फिर भी पता नहीं क्यों अलग सी पता नहीं क्या होता था। ठीक है, उसके बाद चलते हुए धीरे धीरे मेरे इलेवंथ में लाने में बढ़ जाता था, 620 मेरा एवरेज स्कोर रहता था ट्वेल्थ में, इलेवंथ में। फिर जब मेरे 650 मार्क्स आ रहे थे तो मैं बहुत खुश होता था। जब ट्वेल्थ में आया था वही 650 एवरेज हो गए और 680 आ जाते तब खुश होता था। तो ये जो प्रोसेस है ग्रेजुअल है। ठीक है, मेडिकल में कहते हैं कि क्रॉनिक इलनेस होती है ना वो एक्यूट सफरिंग से अच्छी होती है, बस ये नीड की जो सफरिंग है ये क्रॉनिक सफरिंग है। एक दिन में आप सबसे आगे नहीं कर सकते, आपको रोज मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ तक मतलब अच्छा कर पाओगे, जो आप चाहते हो वो कर पाओगे। बस यही कहना चाहूँगा मैं। ठीक है, जिनिस टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा, टीचर जितने तक मैंने रात को 1 बजे व्हाट्सअप कर दिया करता था मैसेज और सो जाता था, मैं काम जान देखने की बता देंगे। ठीक है, मैं सुबह उठता था सारे के सारे व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज भेज चलते थे, मतलब बिल्कुल कभी टीचर ने डीमोटिवेट नहीं दिया, बिल्कुल सपोर्ट करते थे। बल्कि कभी कभार मैं तो कुछ गलत बातें भी कह देता था सर को, शायद नहीं कहती चाहिए पता चलता है, तो उसके लिए मैं सर यही सॉरी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, और बस यही बात है, और सर को थैंक यू कहना चाहूँगा। मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही, मतलब मेरे को नहीं लगता शायद मेरे से अच्छी किसी कंडीशन में किसी ने पढ़ाई करी हो। मेरा अलग कमरा था, अगर कोई भी कुछ भी कह देता था ना मैं उसको डांट दिया करता था, मतलब मेरे कमरे में टोटल साइलेंस होती है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता शायद मेरी फैमिली और टीचर से अच्छे मतलब कुछ हो सकता था मेरे लिए जो मुझे मिला इससे अच्छा कुछ। तो बस थैंक यू कहना चाहूँगा सर।